दोबारा ओपन करो तो तुम्हें एडेड टू डूज़ दिखें वो रिमूव ना हो तुम टू डूज़ को डन मार्क कर सको और जो डन टू डूज़ हैं उन्हें तुम आइदर स्ट्राइक लाइन से या किसी भी अदर वे में दिखा सको कि दिस टू डू इज़ कम्प्लीटेड एंड यू कैन फिल्टर आउट टू डूज़ बेस्ड ऑन देयर कम्पलीशन स्टेट बेस्ड ऑन योर टेक्स्ट जो तुम सर्च करना चाहो और एट द एंड वी विल आल्सो सी कैसे हम टू डूज़ को कैटेगराइज कर सकें ओके okay? एंड एट द एंड आई हैव टास्क फॉर यू जो तुम आफ्टर दिस सेशन अटेम्प्ट कर सकते हो करने के लिए ओके okay? सो so, जब भी हम किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं हमें डायरेक्टली कोड में जंप नहीं करना है सबसे पहले हमें एक लेआउट बनाना है एक प्लान बनाना है कि हम इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे इससे ये फ़ायदा होता है कि फ्यूचर में आने वाली प्रॉब्लम्स को हम पहले ही टैकल कर लेते हैं और हमारा प्लान रेडी होता है हमें बस एग्जीक्यूट करना होता है अदरवाइज़ हम कोड करते करते सोचते हैं कि अच्छा ये भी करना है ये तो रह गया करना और फिर हमारी एप्लीकेशन का जो आर्किटेक्चर है वो ख़राब हो जाता है तो टू डू ऐप को कोड करने से पहले हम इसका एक आर्किटेक्चर प्लान करेंगे हम एक डिज़ाइन सिस्टम बनाएंगे कि कितने कॉम्पोनेंट्स होंगे और उन कॉम्पोनेंट्स के बीच में कैसा कम्युनिकेशन होगा ओके सो फॉर दैट लेट्स ओपन अ डिज़ाइन और ड्राइंग टूल फर्स्ट ऑफ ऑल एक टू डू एप में क्या होता है एक टेक्स्ट फील्ड होती है जहाँ पे यूज़र कुछ भी टाइप करता है और एक बटन होती है ओके okay? जहाँ पे आइदर लाइक से एड टू डू लिखा होता है या फिर प्लस का साइन होता है हम मान के चलते हैं कि एड टू डू लिखा हुआ है ओके okay? और एक लिस्ट होती है जहाँ पर हमारे टू डू आइटम्स हमको विजिबल होते हैं राइट right? हम आज कुछ ऐसा ही लेआउट बनाएंगे एक टेक्स्ट फील्ड बनाएंगे एक बटन बनाएंगे और एक लिस्ट कॉम्पोनेंट होगा जो हमारे सारे टू डूज़ को रोज़ में दिखाएगा ठीक है और जो भी फिल्टर के ऑप्शन हैं लाइक से फिल्टर बाई स्टेटस फिल्टर बाई सर्च तो वो सारे ऑप्शन हम यहाँ पे मैनेज कर लेंगे ठीक है दिस स्पेस फॉर फिल्टर तो यहां पे हमें चार या पांच कंपोनेंट्स दिख रहे हैं सबसे पहला कंपोनेंट दिस टेक्स्ट फील्ड सेकेंड कंपोनेंट दिस बटन कंपोनेंट एंड थर्ड कंपोनेंट मेरा ये जो फिल्टर वाला कंपोनेंट होगा यहां पे बटन्स भी आ सकती हैं टेक्स्ट फील्ड भी आ सकता है फोर्थ कंपोनेंट मेरा टू डू लिस्ट ओके एंड इनसाइड टू डू लिस्ट वी हैव वॉट आइटम्स या टू डूज कह लो ओके okay? तो बेसिकली हम इतने ही कॉम्पोनेंट्स बनाएंगे टेक्स्ट कॉम्पोनेंट बटन फिल्टर एंड टू डू लिस्ट अब ये जो सारे कॉम्पोनेंट्स हैं एक पेरेंट कॉम्पोनेंट के अंदर रहेंगे ये पेरेंट कॉम्पोनेंट मेरे सारे चाइल्ड कर दो तो ये पेरेंट कॉम्पोनेंट मेरे सारे चाइल्ड कॉम्पोनेंट्स को होल्ड करके रखेगा ऐसा क्यों बिकॉज मुझे इन कॉम्पोनेंट्स के बीच में बातचीत करवानी है ऐड टू डू बटन जो भी यूज़र ने लिखा होगा उसको इस लिस्ट में ऐड करेगा अब टेक्स्ट बटन का डेटा इस बटन कॉम्पोनेंट को कैसे पता चलेगा कि मुझे ये ऐड करना है तो अगर मेरा सारा डेटा एक पेरेंट में है तो मैं इजीली सारा डेटा चाइल्ड कॉम्पोनेंट को ट्रांसफ़र कर सकता हूँ अगर मैं सारा डेटा सिबलिंग लेवल पे रखूँगा या चाइल्ड के पास रखूंगा तो मुझे पेरेंट को भेजने में दिक्कत होगी तो रिएक्ट में हमें सबसे पहले या सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ होती है वो ये कि हम डिसाइड करें कि पेरेंट कौन होगा सो so दैट हम सारा डेटा इजिली भेज सकें तो हमारा जो कॉम्पोनेंट पेरेंट कॉम्पोनेंट बनेगा वो होगा ऑटो कंप्लीट ये मेरा पेरेंट कॉम्पोनेंट होगा जो कि सारा डेटा अपने पास रखेगा अब सारा डेटा में इसके पास क्या क्या डेटा हो सकता है टू डूज हो सकते हैं सारे टू डूज और क्या टू और क्या हो सकता है एंटर्ड टू डू जो यूजर ने लिखा हुआ है और क्या हो सकता है फिल्टर कि कौन सा फिल्टर अप्लाई हुआ है अप्लाइड फिल्टर तो बेसिकली ऑटो कंप्लीट कॉम्पोनेंट के पास कुल तीन चीज़ें होंगी या ऐसा कह लो तीन स्टेट वेरिएबल्स होंगे टू डूज एंटर्ड टू डू और अप्लाइड फिल्डर बेस्ड ऑन दिस हम सारी चीज़ों को ड्राइव करेंगे लेटर ऑन हमारे पास कुछ एडिशनल फंक्शनैलिटीज़ आएंगी जैसे कि एडिट और डिलीट अभी हम उनको डिस्कस नहीं करेंगे क्यों सो so दैट हम बाद में देख सकें कि इस डिस्कशन का कुछ फ़ायदा हुआ है या नहीं ये प्लानिंग हमें कितना हेल्प करती है इस एप्लीकेशन को स्केल करने के लिए ओके okay? जब हम बेसिक इम्प्लीमें इम्प्लीमेंटेशन कर लेंगे तब हम देखेंगे कि कैसे हम हुक्स का यूज़ करके लॉजिक को सेग्रीग्रेट कर सकें या लॉजिक को अलग कर सकें अपने कॉम्पोनेंट से और कैसे चीज़ों को और रीयूजेबल बना सकें ओके लेट्स गो टू द कोड एंड स्टार्ट मेकिंग दिस ऐप तो अगेन वी आर इन वी एस कोड सो लेट्स स्टार्ट मेकिंग कॉम्पोनेंट्स सबसे पहला कॉम्पोनेंट जो यहाँ पर बनेगा दैट विल बी ऑटो कंप्लीट कॉम्पोनेंट मैं सारे कॉम्पोनेंट्स को एक फोल्डर में रखना प्रेफर करता हूँ क्योंकि एक कॉम्पोनेंट के पास कई सारी चीज़ें होती हैं जैसे कि सी एस एस यूटिलिटीज़ कॉन्स्टेंट टेस्ट केसेस सारी चीज़ें एक फोल्डर में रहें तो वो ज़्यादा अच्छा होता है अब मैं यहाँ पे एक फाइल बनाऊँगा ऑटो कंप्लीट डॉट जी एस एक्स और इस फाइल में, में मेरा कॉम्पोनेंट होगा फंक्शन ऑटो कंप्लीट एंड लेट्स एक्सपोर्ट दिस एक्सपोर्ट डिफॉल्ट ऑटो कम्प्लीट और यहाँ पे हम सिंपली एक रैंडम सा टेक्स्ट लिख देते हैं सो so दैट हम देख सकें कि हाँ भाई ये यू में विजिबल है या नहीं और इस फाइल को हम डायरेक्टली भी यूज़ कर सकते हैं बट यहाँ पर फिर मुझे इम्पोर्ट के लिए लिखना पड़ेगा ऑटो कम्प्लीट स्लैश ऑटो कम्प्लीट तो दो बार मुझे ना लिखना पड़े उस लिए मैं सिंपली यहाँ पे एक इंडेक्स डॉट जी एस एक्स या इंडेक्स डॉट जी एस बना लूँगा एंड यहाँ पे आई विल डायरेक्टली एक्सपोर्ट डिफॉल्ट बाई इम्पोर्टिंग इट फ्रॉम ऑटो कम्प्लीट सो दैट मुझे दो बार ऑटो कम्प्लीट ना लिखना पड़े और अभी मैं ऐप कॉम्पोनेंट में जाऊँगा नाउ आई कैन डायरेक्टली यूज़ ऑटो कम्प्लीट सी दम्पोर्ट ऑफ दिस ऑटो कम्प्लीट लेट मी एक्सपेंड इट मुझे यहाँ पर दो बार नहीं लिखना पड़ा ऑटो कम्प्लीट एंड लेट सी इन द आई अभी कुछ आया नहीं है लेट्स ये कॉम्पोनेंट सही है कि नहीं मैंने फंक्शन को कॉल कर लिया तो आई डोंट हैव टू कॉल इट मैंने इसको सेव किया ब्राउजर को रिफ्रेश किया एंड आई हैव माई ऑटो कम्प्लीट एडेड इन माई यू सो अब जो सबसे जरूरी पीस ऑफ रिक्वायरमेंट है दैट इज़ अ इनपुट टेक्स्ट फील्ड एंड अ बटन सो लेट्स एड दैट थिंग बट बिफोर दैट लेट्स क्रिएट अ सी एस एस फाइल ओके एंड लेट्स इम्पोर्ट दैट सी एस एस हेयर इम्पोर्ट स्टाइल डॉट सी एस एस ओके सो अभी मुझे अगेन दो कॉम्पोनेंट्स बनाने पड़ेंगे टेक्स फील्ड के लिए और बटन के लिए अलग कॉम्पोनेंट इसलिए सो दैट डिबिंग बहुत ईजी हो सो लेट मी क्विकली कॉपी दीज थ्री फाइल्स बिकॉज ये तीन फाइल मुझे हर कॉम्पोनेंट के लिए चाहिए तो यहां पर सिंपली मैं इनपुट टेक्स्ट नाम से फोल्डर बना लेता हूँ तीनों फाइल मैं यहाँ पेस्ट कर देता हूँ एंड लेट मी क्विकली क्रिएट दीज थ्री कॉम्पोनेंट्स ओके सो लेट मी रीनेम इट इनपुट टेक्स्ट इनपुट टेक्स्ट इनपुट टेक्स्ट स्टाइल इज ओके इंडेक्स में इनपुट टेक्स्ट इज ओके दिस इज़ फाइन नाउ लेट मी क्रिएट अ बटन कॉम्पोनेंट एंड लेट मी

प्रॉप से हम रिसीव कर लेते हैं फर्स्ट ऑन क्लिक में हम एक डिफॉल्ट फंक्शन पास कर देते हैं सो so दैट अगर कभी यूजर पास ना करे, बटन पे क्लिक करे तो एप्लीकेशन क्रैश ना हो एंड लेबल भी हम रिसीव कर लेते हैं सो so, यहाँ पे हमारा बटन कॉम्पोनेंट रेडी हो चुका है ओके लेट मी सेव ऑल दीज थिंग्स बटन कॉम्पोनेंट इज़ रेडी लेट्स गो टू दिस इनपुट टेक्स्ट कॉम्पोनेंट यहाँ पर मुझे रिटर्न करना पड़ेगा इनपुट टाइप इक्वल टू टेक्स्ट ओके एंड इस टेक्स्ट में जो वैल्यू हमें असाइन करनी है वो हमें प्रॉप से मिलेगी और इस टेक्स्ट में जो भी चेंज होगा उसे हमें पेरेंट कॉम्पोनेंट में भेजना पड़ेगा ओके okay? सो so, उसके लिए मैं ऑन चेंज फंक्शन प्रॉप से रिसीव कर लेता हूँ क्योंकि जब भी हमें चाइल्ड टू पेरेंट कम्युनिकेशन करना होता है हम फंक्शन से करते हैं और ये ऑन चेंज फंक्शन मैं इसलिए मंगा रहा हूँ सो so दैट मैं इस कॉम्पोनेंट से डायरेक्टली वैल्यू भेज सकूँ ओके okay? तो यहाँ पे मैं सिंपली ऑन चेंज इम्प्लीमेंट करता हूँ और यहाँ पे मैं इस कॉम्पोनेंट का खुद का एक हैंडल चेंज फंक्शन बनाऊँगा और इस फंक्शन के अंदर मैं वैल्यू को एक्सट्रैक्ट आउट करके खुद ही भेज दूँगा सो दैट जो कॉम्पोनेंट इनपुट टेक्स्ट कॉम्पोनेंट को यूज़ करे उसको ये काम बार बार ना करना पड़े क्योंकि फॉर एग्जांपल मान लो मैं इस कंपोनेंट को दस जगह यूज़ करता हूँ तो मुझे दस बार इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू करना पड़ेगा बट अभी मैंने इसको इंडिविजुअली लेवल पे हैंडल कर लिया तो मुझे बार बार नहीं करना पड़ेगा आई विल सिंपली पास द फंक्शन और मुझे वैल्यू मिल जाएगी लेट्स असाइन दिस वैल्यू ओके और एक प्लेस होल्डर भी यहाँ पर डाल देते हैं वॉट

const todos set todos use state this will be an array क्योंकि हमारे पास कई सारे todos हो सकते हैं और मुझे एक state चाहिए होगी जहां पे मैं रख सकूं कि user क्या type कर रहा है तो let me create another state todo to add and

बट अगर तुम ऐसा करते हो तो फिर तुम नाम पढ़ के बता नहीं पाओगे कि ये क्या करता है ओके okay? अगर तुम यहां पे सिंपली ऐसा भी कुछ कर दो टू डू टू एड लाइक से सेटर फंक्शन भी इट्स सर्विंग द परपज ओके बेसिकली नाम पढ़ के पता चले कि ये क्या कर रहा है सेट वर्ड रिएक्ट रिकमेंड करता है कि भाई तुम सेट लगा दो सो so दैट तुम्हें पता चल जाए कि ये सेटर फंक्शन है और रिएक्ट के कोड में तुम्हें सेट वर्ड ही दिखेगा ठीक है तो डोंट मिस अंडरस्टूड इट कि भाई ये फिक्स ही है ऐसा ही करना है यू कैन नेम इट एनी थिंग ओके तो अभी मेरे पास दो स्टेट्स आ चुकी हैं नाउ आई हैव टू क्रिएट अ फंक्शन फंक्शन हैंडल टू डू चेंज ओके ये वही फंक्शन है जो मैं पास करूंगा कहाँ पे इनपुट टेक्स्ट में ऑन चेंज में ओके सो दैट जब कुछ चेंज हो तो मुझे यहाँ पे वैल्यू मिल जाए और मैं सिंपली उसको सेट कर दूँ ओके सो मेरा ये फंक्शन रेडी है लेट्स टेस्ट इट मैं सिंपली यहाँ पे इस स्टेट को दिखा देता हूँ तो अभी मैं यहाँ पे कुछ टाइप कर रहा हूँ कुछ दिख नहीं रहा क्योंकि अगेन मैंने यहाँ पे गलत वैल्यू पास कर दी है सेट होने के लिए अभी इसे रिफ्रेश करते हैं सी जो भी मैं टाइप कर रहा हूं मुझे यहां पे दिख रहा है दैट मीन्स मेरी स्टेट बाइंड हो चुकी है ओके okay? अब अगर मैं इस बटन पे क्लिक करता हूं तो मुझे इस टू डू को ऐड करना है तो लेट्स क्रिएट अ फंक्शन लेट मी क्लोज ऑल अदर फाइल्स नाउ आई विल क्रिएट अ फंक्शन ऐड या फिर हैंडल ऐड टू डू ओके इसको हम सिंपली बाइंड कर देते हैं अपने बटन के ऑन क्लिक इवेंट से अब सिंपली मुझे पता है क्या टू डू ऐड करना है दैट इज दिस टू डू टू ऐड मैं इसको सिंपली एरे में ऐड कर सकता हूँ बट अगर मैं डायरेक्टली ऐसा कर दूँ लाइक से कॉन्स्ट ओल्ड टू डूज मुझे टू डूज़ को डी स्ट्रक्चर करना पड़ेगा अगर मैं यहाँ पर कुछ ऐसा करता हूँ लाइक से सेट तो दिस इज कंप्लीटली फाइन ओके आई कैन ऑल्सो सिंपली एड दिस हेयर दिस इज कम्प्लीटली फाइन बेसिकली मैं एक एरे बना रहा हूँ और फर्स्ट इंडेक्स में जो भी नया टूडू है उसको मैं इंसर्ट कर रहा हूँ बट इसका एक ड्रॉबैक ये है कि मेरे पास बस टू डू है टू डू की कोई आई डी नहीं है कई बार हम डुप्लीकेट टू डू एड करते हैं तो आइडियली जब हम रियल वर्ल्ड में काम करते हैं तो बैक एंड हमें एक आई डी जनरेट करके देता है हम फ्रंट एंड पे रिलाई नहीं कर सकते हैं कि भाई लाइक से फ्रंट एंड हमें कोई नई आई डी बना के देगा क्योंकि अगर हम फ्रंट एंड से आई डी बनाएंगे तो मोस्ट ऑफ द केसेस में चीज़ें मिक्सअप हो जाएंगी क्योंकि एक एप्लीकेशन मल्टीपल लोग यूज़ करते हैं क्या पता किसी दूसरे के ब्राउज़र में सेम आईडी जनरेट हो जाए जो मेरे ब्राउज़र में तो आई वाला लॉजिक बैक एंड में रहता है बट हम अपनी इस एप्लीकेशन के लिए एक आई काउंटर बना लेंगे सो दैट हर टू डू पे मुझे एक नई आई मिल जाए और यह काम हम कैसे करेंगे हम सिंपली विंडो ऑब्जेक्ट पे एक की ऐड कर देंगे ओके लाइक दिस विंडो डॉट टू डू आई डी इक्वल टू वन जीरो जीरो ओके, okay. सो so, अभी विंडो ऑब्जेक्ट में ये हमेशा अवेलेबल रहेगा एप्लीकेशन को रिफ्रेश करूंगा तो रीसेट हो जाएगा और लाइक से दिस विल बी ऑलवेज अवेलेबल फॉर मी तो अभी हम क्या करते हैं इस टू डू आईडी को यूज कर लेते हैं ओके लेट्स यूज इट तो हम क्या करेंगे हम स्ट्रिंग में चीजों को नहीं सेव करेंगे हम एक ऑब्जेक्ट बना के सेव करेंगे ओके okay? ये ऑब्जेक्ट बना के सेव करने का जो फायदा है वो हमें बाद में मिलेगा अभी हम फिलहाल इसको ऑब्जेक्ट में रख लेते हैं न्यू टू डू एक ऑब्जेक्ट में बना लेता हूँ ठीक है दिस इज अ ब्लैंक एम्प्टी ऑब्जेक्ट न्यू टू डू टू एड डॉट आई डी विंडो डॉट टू डू आई एंड इसको हम प्लस प्लस कर देते हैं सो so दैट एक नई टू डू आई डी जनरेट होकर ऐड हो जाए और न्यू to do dot to do equal to to do to add and set to do to add इसको हम empty कर देते हैं क्योंकि टू डू अब ऐड हो चुका है मुझे अब अब इसकी कोई ज़रूरत है नहीं और सेट टू डूज टू add ओल्ड टू डूज ही रहेगा यहाँ पे थोड़ा चेंज आएगा अब यहाँ पे मुझे स्ट्रक्चर्ड क्लोन यूज़ करना पड़ेगा टू क्लोन प्रीवियस टू डूज और सेट टू डूज़ में हम सिंपली एक एरे डालेंगे फर्स्ट इंडेक्स में हमारा न्यू टू डू जाएगा और बाद में जो ओल्ड टूडूज़ हैं ओके सो यहाँ पे हमारा एड टू डू का जो काम था वो हो चुका है अब हम ये कैसे चेक करेंगे सिंपली मैं यहाँ पे ना अलर्ट लगा देता हूँ से टू डूज़ और यहाँ पे टू डूज़ ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ठीक है क्योंकि ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट आ रहा है दैट मीन्स की चीजें ऐड हो गई हैं पहले एम पी टी आया था ओके okay? तो इसे मैं सिंपली ऐसा कुछ कर देता हूँ जेसन डॉट स्ट्रिंगी अब देखते हैं तो सी मेरा जो टूडू है वो ऐड हो चुका है दैट मीन्स कि हमारा कोड सही चल रहा है अब इस टूडूज को दिखाने के लिए हमारे पास एक अलग से कॉम्पोनेंट है अभी हमने जिसे बनाया नहीं है अब हमें बनाना पड़ेगा वो कॉम्पोनेंट तो लेट्स क्रिएट दैट कॉम्पोनेंट इसको हम नाम देते हैं वॉट टूडूज़ टूडूज़ नाम दे देते हैं क्योंकि जो पेरेंट फोल्डर है उसे हमने ऑटो कंप्लीट नाम दिया है ओके आई डोंट नो मैंने इसे ऑटो कंप्लीट नाम क्यों दिया है ठीक है सो सो लेट्स क्रिएट फाइल्स फॉर दिस टू डू कॉम्पोनेंट यहाँ पर सिम्पली मैं एक फ़ाइल क्रिएट कर लेता हूँ इंडेक्स डॉट जे एस एक्स एंड रिल इज सेम टू डूज़ डॉट जे एस एक्स एंड स्टाइल डॉट सी एस एस ओके और टू डूज़ डॉट जे एस एक्स में लेट्स क्रिएट अ फंक्शन टू डूज़ और ये टू डूज मुझे क्या देगा प्रॉप में टू डूज़ देगा इसको मैं इनिशलाइज कर देता हूं एक एम एरे के साथ एंड लेट्स रिटर्न समथिंग डिव टू डूज एंड लेट्स एक्सपोर्ट दिस टू डूज कॉम्पोनेंट एज अ डिफॉल्ट एक्सपोर्ट ओके सो हमारा एक टू डूज कॉम्पोनेंट रेडी है लेट्स एक्सपोर्ट इट ऑल्सो फ्रॉम इंडेक्स फाइल एक्सपोर्ट डिफॉल्ट फ्राम टू डूज ठीक है दिस इज़ डन लेट्स यूज इट कुछ रैंडम सा टेक्स्ट हमने एड ही कर रखा है तो चलते हैं हम अपने ऑटो कंप्लीट में जो हमारा पेरेंट है सारे टू डूज़ का बट बिफोर दैट लेट्स रीनेम दिस बिकॉज दिस नेम इज़ नॉट एट ऑल करेक्ट फॉर आर एप्लीकेशन सो इट शुड बी टू डू एंड दिस शुड ऑल्सो भी टू डू मेरे इम्पोर्ट एक्सपोर्ट ऑटोमेटिकली कलेक्ट हो गए होंगे इसको मैं टू डू कर देता हूँ इसको भी मैं टू डू कर देता हूँ लेट्स गो टू आर ऐप इसको भी मैं टू डू कर देता हूँ इसको भी टू डू कर देते हैं ओके सो नाओ दिस इज़ वर्किंग फाइन अभी हमारा नेमिंग वेमिंग सब एकदम अच्छे से है और यहाँ पर अब हमें टू डू जो हमने अभी बनाया है टू डूज कॉम्पोनेंट उसको ऐड करना है तो उसे हम यहाँ पर ऐड करेंगे टू डूज़ ठीक है यहाँ पे मेरा टू डूज़ आ चुका है जैसे कि तुम यहाँ पे देख रहे हो और यहाँ पर मुझे क्या भेजना है जो भी टूडोज़ हमने अपने एरे में रखे हैं ओके नाउ लेट्स गो टू दिस टूडोज़ कॉम्पोनेंट क्लोज एवरी क्योंकि अब हमें बस इस पर फोकस करना है ओके लेट्स इम्पोर्ट दी सी एस एस फाइल इम्पोर्ट एंड लेट्स अप्लाई अस नेम एयर टू डूज लिस्ट ओके एंड इस पर हम थोड़ी सी स्टाइलिंग कर देते हैं बेसिकली थोड़ी सी स्पेसिंग दे देते हैं टॉप से मार्जिन टॉप ट्वेंटी वी एक्स ओके दैट्स इट अभी हम बस यही स्टाइलिंग देंगे और यहाँ पर विल रन अ मैप ऑन टू डोज ओके एंड लेट्स रिटर्न अडिव यहाँ पे हमें हमारे टू डूज़ मिल जाएंगे एंड विल फर्स्ट ऑफ ऑल जब भी मैप यूज़ करो पहला काम करना है कि प्रॉप असाइन करना है ओके okay? टू ये टू डू होगा बिकॉज नाउ दिस इज़ अ सिंगल एंटिटी इसको हम डेटा रख लेते हैं ओके बिकॉज टू डू नाम से फिर हम कन्फ्यूज़ हो जाएंगे डेटा डॉट आई डी एंड यहाँ पर स्पैन के अंदर डेटा डॉट टू डू ओके ओकेट्स एड टू डूज सो माई टू डूज आर गेटिंग एडेड ओके यू गैस कैन सी सो यहाँ पर जो बेसिक फंक्शनैलिटी थी वो हमने अचीव कर ली है अब यहाँ पर जो नेक्स्ट चीज़ हमको करनी है दैट इज एडिट टू डू एंड डिलीट टू डू सो एडिट और डिलीट टू डू के लिए हमें कुछ बटन्स बनानी पड़ेंगी सो so, अब अगर मैं यहाँ पे वो बटन बनाऊँगा तो सी मेरा ये जो मैप वाला कोड है ये अब कॉम्प्लिकेट होता चला जाएगा क्योंकि अब यहाँ पे और रिक्वायरमेंट्स आती जा रही हैं सो so, मुझे अब एक नया कॉम्पोनेंट यहाँ पे बना लेना चाहिए सो so दैट मेरा टू डूज़ कॉम्पोनेंट क्लीन रहे तो so, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ एक कॉम्पोनेंट बनाता हूँ टू डू आइटम ओके okay? और इसके लिए हम अलग से फाइल नहीं बनाएंगे जनरली ये काम हम इसी फाइल में कर सकते हैं द आइडिया इज कि टू हैव अ सेपरेट कॉम्पोनेंट ओके सो अगर तुम्हारे पास टाइम है तो यू कैन स्पेंड इट टू क्रिएटिंग फाइल्स बट अगर टाइम का क्रंच है तो क्रिएटिंग कॉम्पोनेंट्स और क्रिएटिंग मल्टीपल कॉम्पोनेंट्स इन सेम फाइल इट्स कंप्लीटली फाइन ओके यू कैन डू दैट तुम ऐसा पैटर्न कई कोड में देखोगे ओके एंड यहाँ से हम सिंपली रिटर्न कर देते हैं और अभी मुझे इस की को पास करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये हम ऊपर पास करेंगे यहाँ पे सिंपली हमें डेटा मिलेगा ओके okay, और सिंपली हम डेटा को रिसीव कर लेते हैं डेटा डॉट टू डू एंड लेट्स पास की प्रॉप हीयर डेटा डॉट आई डी डेटा डॉट टू डू एंड हमने रिटर्न कर दिया है रिटर्न कर दिया है क्या मिस किया हमने प्रॉप्स नहीं सेंड yes. कर रहे टू डू आइटम यस यस हमने प्रॉप्स नहीं सेंड किए हैं तो लेट्स सेंड प्रॉप्स सो दिस इज वर्किंग फाइन नाउ टू डिलीट अ टू डू वी नीड सम बटन सो लेट्स create those button button not this button my component one with capital b this is not coming in suggestion okay strange so let's import that button import button from button okay now ई हैव माई बटन टू एड सो लेट्स एड इट पहले हम एडिट बना लेते हैं एडिट एंड इसके बाद डिलीट एंड मैंने कुछ कस्टम क्लास नेम्स ऑलरेडी क्रिएट कर रखी है तो लेट्स अप्लाई दिस डेंजर ओके आई बिलीव दैट्स दैट क्लासेज आर नॉट वर्किंग सो क्लास नेम डेंजर ओके सो यहां पर मैंने शायद क्लास नेम का सपोर्ट एड नहीं किया है तो लेट मी एड दपोर्ट फॉर क्लास नेम ओके सो डेंजर क्लास यहाँ पर अप्लाई हो चुकी है नाउ वी हैव टू एड द फंक्शनैलिटी सो अगर मैं किसी टू डू को डिलीट करना चाहता हूँ तो मुझे क्या चाहिए मुझे उस टू डू की आईडी चाहिए या वो टू डू चाहिए जो मैं डिलीट करना चाहता हूँ अदरवाइज मैं कैसे डिलीट कर सकता हूँ तो अगेन मुझे अब इस डिलीट की फंक्शनैलिटी ऐड करने के लिए टू डू की आईडी होना बहुत ज़रूरी है अगर मैं अपने कॉम्पोनेंट को देखूँ तो इस डेटा के अंदर वो आईडी है फर्स्ट थिंग सो हमें आईडी मिल गई नेक्स्ट क्वेश्चन टू डू एड करने की फंक्शनैलिटी को मैं कहाँ लिखूँ क्या मैं उसको इस कॉम्पोनेंट में लिखूँ या मैं उसको कहीं पे और लिखूँ सो so, अगर मेरे पास रिडक्स होता तो मैं यहीं से एक्शन को डिस्पैच मार देता बट मेरे पास रिडक्स नहीं है तो मुझे पेरेंट कॉम्पोनेंट को बताना पड़ेगा कि यूज़र इस डू को डिलीट करना चाहता है क्योंकि मेरा सारा जो सेंट्रलाइज्ड डेटा है वो पेरेंट कॉम्पोनेंट के पास है तो मुझे वहाँ तक मैसेज पहुँचाना पड़ेगा और हम मैसेज कैसे पहुँचाते हैं बाई यूजिंग फंक्शंस ओके तो हम सपोज कर लेते हैं कि इस टूडूज़ को एक फंक्शन मिलेगा जिसका नाम होगा ऑन डिलीट ओके दिस इज़ अ फंक्शन और इस ऑन डिलीट फंक्शन को मैं यहां पर भी पास कर देता हूं ऑन डिलीट के साथ साथ हम ऑन एडिट भी बना ही लेते हैं ओके क्योंकि ये हमें बनाना तो है ही अभी हम सपोज कर रहे हैं कि पीछे से फंक्शन मिलेगा और इन दोनों को हम रिसीव भी कर लेते हैं ओके और अब अगर मुझे यहां पे ऑन एडिट आईडी भेजनी है तो मैं कुछ ऐसे भेज सकता हूँ बट अगर मैं ऐसा करूँगा तो ये फंक्शन इमिडिएटली कॉल हो जाएगा तो ये करने के लिए हम एरो फंक्शन बना के अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हैं जो कि कम्प्लीटली गलत है दिस इज़ फॉर मी दिस इज़ एंटी पैटर्न ओके यू आर पॉल्यूटिंग योर जे एस एक्स नेवर डू दिस तो इसे कैसे सॉल्व करें देर आर मल्टीपल वेज सबसे आसान है करींग कर लो सो आई विल क्रिएट अ अनदर फंक्शन हैंडल एडिट और यहाँ पे मैं डेटा डॉट आई भेज दूँगा और मुझे एक अलग से फंक्शन बनाना पड़ेगा यहाँ पे हैंडल एडिट एंड आई विल करी इट सिंपली रिटर्न अ न्यू फंक्शन यहाँ पर मुझे मेरी आई मिल जाएगी जो मैंने यहाँ से भेजी हुई है दिस वन और अब यहाँ पे सिंपली मैं कॉल कर लूँगा ऑन एडिट और यहाँ पर मैं डेटा भेज दूँगा दैट्स इट लेट्स कॉपी पेस्ट इट फॉर डिलीट हैंडल डिलीट और यहाँ पे ऑन डिलीट आएगा लेट्स असाइन इट हियर डेटा डॉट आई सो हमारा कोड रेडी है डिलीट करने का जो हमने लिखा है जो बस मैसेज को पास करेगा ये भी डिलीट नहीं करेगा ये मैसेज को पास करेगा ओके नाउ लेट्स गो टू आर डू मेन कॉम्पोनेंट ओके जिसने इस टू डूज को बनाया है अब मुझे यहां पर वो फंक्शन इंप्लीमेंट करने पड़ेंगे हैंडल एडिट आई डी यहां पर मुझे आई डी आएगी और हैंडल डिलीट ओके सो नाउ आई हैव माई टू फंक्शंस लेट्स सेंड देम ऑन डिलीट हैंडल डिलीट ऑन एडिट हैंडल एडिट सो so, फंक्शंस की बाइंडिंग हो चुकी है आईडीज़ मुझे मिल चुकी हैं सबसे पहले हम हैंडल डिलीट करते हैं दिस इज़ प्रिटी मच इजी। तो हम सिंपली क्या करेंगे वी नो कि भाई मुझे इस आईडी वाले टू डू को हटा देना है तो कई तरीके हैं मैं स्प्लाइस यूज़ कर सकता हूँ स्लाइस यूज़ कर सकता हूँ या फ़िल्टर यूज़ कर सकता हूँ मैं यहाँ पर फिल्टर यूज़ कर लेता हूँ कॉन्स्ट न्यू टू डूज़ आई विल सिंपली डू दिस जो भी मेरे डूज हैं उन पर फिल्टर चला दूंगा यहां पे टू डू मिलेगा मैं सिंपली चेक कर लूंगा टू डू डॉट आई डी नॉट इक्वल टू इक्वल टू जो भी आई पीछे से आई है और सेट टू डूज न्यू टू डूज लेट सी सी माय डिलीट फंक्शनैलिटी इज वर्किंग फाइन ओके सो डिलीट इज डन अब बचता है एडिट तो एडिट टू डू के लिए हम मल्टीपल चीज़ें कर सकते हैं ठीक है लोग कई अप्रोचेस फॉलो करते हैं फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे क्लिक किया डू को वो एडिटेबल बन गया बट हम वो अप्रोच फॉलो नहीं करेंगे हम क्या करेंगे हम कंडीशनली टेक्स्ट फील्ड को इंटर करेंगे जब तुम एडिट पे क्लिक करोगे तो मैं तुम्हें एक एडिटेबल टेक्स्ट फील्ड दे दूँगा और एडिट को रीनेम कर दूँगा सेव में और एक कैंसिल बटन दे दूँगा सो लेट्स डू दैट तो अब जब मैं हैंडल एडिट पे क्लिक करूंगा तो मुझे ना तो कुछ रिमूव करना है ना ही मेन डू को अपडेट करना है मुझे सिंपली अपने इस रो कंपोनेंट को बताना है कि यूजर इस टू डू को ऐड कर लाइक से एडिट करना चाहता है अब यह मैं कैसे बताऊंगा तो हमने अपने टू डू को एक ऑब्जेक्ट बनाया था तो आई कैन सिंपली हैव एनदर इंफॉर्मेशन हेयर न्यू टू डू इज एडिट मोड इनिशियली मैं फॉल्स रख देता हूँ सारे टू डू के लिए अब जब भी कोई यूजर किसी टू डू को एडिट करना चाहेगा तो वॉट आई विल डू आई विल रन अ मैप ओवर ऑल टू डूज ओके मैं सिंपली क्या करूँगा फिल्टर की जगह नाउ आई विल यूज अ मैप फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स रिटर्न आफ्टर डिस्ट्रक्चरिंग टू डू और हम सिंपली क्या करेंगे हम चेक कर लेंगे इफ जो ये आई डी आई है इफ आई डी इक्वल टू इक्वल टू टू डू डॉट आई डी अगर ये इस आई डी के बराबर है दैट मीन्स यूजर इस टू डू को एडिट करना चाहता है आई विल डू दिस टू डू डॉट इज एडिट मोड इक्वल टू ट्रू अदरवाइज फॉल्स ओके एंड आई कैन शॉर्टन दिस कोड बाई डूइंग दिस ओके सो दिस एंड दिस आर डूइंग एग्जैक्टली सेम थिंग आई कैन गेट टू डॉफ दिस सो यहां पर मेरे पास अब वो इन्फॉर्मेशन आ गई है कि भाई यूज़र इस टू डू को एडिट करना चाहता है नाउ लेट्स यूज दिस इन्फॉर्मेशन तो इसको यूज़ करने के लिए हम अपने टूडूज में जाएंगे और डायरेक्टली इस डेटा के अंदर मुझे पता चल जाएगा कि ये टू डू एडिटेबल है या नहीं तो वॉट वी कैन डू वी कैन सिंपली चेक हेयर इफ डेटा डॉट इज एडिट मोड अगर ये एडिट मोड है तो भाई मुझे ये चीज़ें नहीं रिटर्न करनी है मुझे कुछ और रिटर्न करना है बट लेट्स कॉपी पेस्टेड यहाँ पे मैं कर दूंगा इनपुट टाइप इक्वल टू टेक्स्ट ओके वैल्यू डेटा डॉट टू डू एंड दिस लेबल विल बी सेव एंड दिस लेबल विल बी कैंसिल फॉर नाउ लेट्स रिमूव दीज ऑन क्लिक सेव इट लेट्स रिफ्रेश इट एड समूड क्लिक ऑन एडिट सी मेरे जो टू डूज है वो एडिटेबल हो चुके हैं ओके नाउ आई हैव टू इम्प्लीमेंट द फंक्शनैलिटी ऑफ सेव एंड कैंसिल फर्स्ट लेट्स इंप्लीमेंट द फंक्शनैलिटी ऑफ कैंसिल तो अब ये कैंसिल की फंक्शनैलिटी कैसे होगी बेसिकली अब मुझे वापस से अपने पेरेंट को बताना पड़ेगा कि यूज़र ने डिसाइड कर लिया कि उसको टू डू ऐड नहीं करना तो बता दो भाई यहाँ से ऑन एडिट कैंसिल एंड ऑन एडिट सेव ये दो फंक्शन मुझे पेरेंट कॉम्पोनेंट भेजेगा मैं उनको यहाँ भेज दूँगा ओके एंड लेट्स रिसीव दैम सेडिट कैंसिल ऑन क्लिक अब अगेन मुझे यहाँ पे एक हैंडलर फंक्शन चाहिए फंक्शन हैंडल एडिट कैंसिल ओके दिस विल बी अ करीड फंक्शन एंड व्हाट आई विल डू I will simply call this on edit cancel ID and uh, let's copy it for save handle save edit on edit save. Let's assign these. मुझे डेटा डॉट आई डी करना पड़ेगा ठीक है दिस विल बी डेटा डॉट आई डी नाउ अभी ये सही चलेगा कैंसिल पे हमने कुछ किया नहीं है तो हमें करना पड़ेगा लेट्स गो टू टू डू ऐप लेट्स इंप्लीमेंट हैंडल एडिट यहां पे अपने को आई डी मिलेगी वी हैव टू डू सिंपली लाइक दिस दिस विल बी हैंडल एडिट कैंसिल एंड लेट्स पास इट ऑन एडिट कैंसिल ओके तो ये आई डी अंदर जाएगी मुझे मिल जाएगा कि किस टूडो को मुझे एडिट नहीं करना नो वॉट आई कैन डू इज एडिट मोड अगर ये लाइक like से हमें हमें चेक बदलना पड़ेगा यहाँ पर चेक कुछ ऐसा होगा इफ टू डू डॉट आई डी इक्वल टू इक्वल टू ईडी दैट मीन यूजर इस टूडो को एडिट नहीं करना चाहता तो विल सिंपली मेक इट फॉल्स ओके अब देखो ऑब्जेक्ट मेरे चीजें रखने का फायदा ये है कि मैं इजिली चीजों को मैनेज आउट कर सकता हूँ ठीक है अगर किसी मोमेंट में मैं चाहता हूँ कि मैं मल्टीपल टू डूज एडिट करने की फंक्शनैलिटी दूं तो मैं वो भी कर सकता हूँ आई कैन गेट रिड ऑफ दिस कंडीशन लाइक से मैं यहां पर इफ लगा दूंगा कि भाई जो बाकी टूडूज हैं उनको रहने दो जैसे हैं वो ओके okay? सो so, अभी मेरा कैंसिल देखो चल रहा है ओके नाउ अगेन लेट्स कम बैक टू आर बिग प्रॉब्लम हैंडलिंग द सेव बटन ओके अब इस सेव बटन को काम करने के लिए यूजर यहाँ पे जो कुछ भी टाइप करे मुझे उसे रखना भी है ओके बिकॉज अदरवाइज हाउ विल आई नो कि मैं ये रखना चाहता हूँ अपने पास सो लेट्स सी वॉट वी कैन डू सो हम चलते हैं अपने टू डू कॉम्पोनेंट में और जो हमारा इनपुट टेक्स्ट नोट नॉट दिस वन दिस वन सो यहां पर जो हमारा इनपुट टेक्स्ट कॉम्पोनेंट है लेट्स नॉट यूज स्टेट एयर वी कैन यूज रेफ यर ओके सो इंस्टेड ऑफ दिस डी वैल्यू वी कैन यूज़ डिफॉल्ट वैल्यू और अब मैं वाया रेफ इस वैल्यू को गेट कर लूँगा बिकॉज दैट विल बी ईजी फॉर एस ओके वी डोंट वॉन्ट आर कॉम्पनेंट टू री रेंडर अननेसेसरली फॉर फॉर दिस एडिट टू डू सो मैं सिम्पली यहाँ पे एक यूज रेफ बना लूंगा एक रेफ इनपुट रेफ

चेंज दी इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दिस हैंडल सेव एडिट अब हमें यहाँ पर ऑन चेंज नहीं चाहिए क्योंकि वी आर नॉट मेंटेनिंग अ स्टेट वी कैन सिंपली गेट दी अपडेटेड वैल्यू फ्रॉम दिस रेफ तो हमें अब हैंडल सेव एडिट को चेंज करना पड़ेगा या कंप्लीट करना पड़ेगा तो वैल्यू वी कैन गेट लाइक कॉन्स्ट वैल्यू इनपुट रेफ डॉट करेंट डॉट वॉट वैल्यू

सेकेंड आर्ग्यूमेंट में वैल्यू भेज दूंगा कि जो वैल्यू मैं अपडेट कराना चाहता हूं और वैल्यू भेजने के बाद मैं सिंपली इस इनपुट रेफ को खाली कर दूंगा ओके बिकॉज आई डोंट नीड द वैल्यू नाउ और अब हमें चलना पड़ेगा अपने मेन कॉम्पोनेंट में हैंडल हैंडल हमने इंप्लीमेंट नहीं किया क्या यस yes, हमने इंप्लीमेंट नहीं किया है नॉन एडिट सेव हैंडल एडिट सेव लेट्स क्रिएट दैट फंक्शन हेयर यहां पे अपने को क्या मिलेगा आई डी एंड न्यू वैल्यू एंड रियली सेम लेट्स कॉपी पेस्ट आर कोड स्पेशली दिस मैप वन ओके सो अब देखो मैं यहां पे बार बार मैप चला रहा हूं ठीक है दिस इज लाइक से कंप्लीटली नॉन सेंस अगर मैं थोड़ा रुकूं थोड़ा चीजों को सोचूं तो आई कैन डू दिस थिंग विदाउट अ मैप ओके हाउ सो मैप तो मैं ऑलरेडी हर टू डू पे यहाँ पे चला ही रहा रहूँ यहाँ पर ओके okay? और मैप मुझे क्या देता है इंडेक्स सो वाई नॉट यूज़ दिस इंडेक्स लेट्स यूज इट मैं सबसे पहले अपने टू डू आइटम में इंडेक्स भेजता हूँ लेट्स रिसीव इट वेयर इज दियर ओके हमने रिसीव कर लिया अब मैं क्या करूँगा हैंडल सेव एडिट में ऑन एडिट सेव में आई डी की जगह इंडेक्स भेज दूंगा ओके सो देट मुझे इटरेट ना करना पड़े ओके okay? और हैंडल एडिट सेव आई डोंट हैव टू Do the iteration now. Okay. So what I will do? I will first create its copy to dos. Now I will simply update it by directly going to that index. Index dot to do equal to new value. And index index new value new value. Okay, let's refresh it. One add to do edit let's make it 11 save okay so ये बंद नहीं हुआ क्यों क्योंकि मुझे एडिट मोड को ऑफ भी करना पड़ेगा इज एडिट मोड फॉल्स एडिट 12 सेव 12 ओके okay. सो so, हमारा एडिट फंक्शनैलिटी भी कंप्लीट हो चुका है सो नाउ लेट्स सी कि हमने क्या क्या चीजें कंप्लीट कर ली हैं

इसको भी मैं डन मार्क कर देता हूँ इसको भी डन इसको भी डन क्योंकि नेक्स्ट हम यही पिक करेंगे देन फिल्टर की बटन ऐड करनी है अपने को और दो फिल्टर बेसिकली अपने को अप्लाई करने हैं तो हम सर्च ले लेते हैं और फिल्टर बाय लाइक से स्टेटस ले लेते हैं सो so दैट हम मल्टीपल फिल्टर्स भी देख सकें ओके सो वो करने से हमारे बाकी काम भी हो जाएंगे Okay, and at the end we'll see how we can group things. So again, let's go back to our code. So first, let's do the local storage way to preserve our todos. तो so, हम सबसे पहले तो हमें find out करना पड़ेगा कि किस किस position पे हम todos को update कर रहे हैं। तो so, ऐसी कौन सी position या ऐसी कौन सी जगह है जहाँ पे हम todos को update कर रहे हैं? पहली जगह है एड टू डू देन एडिट देन डिलीट तो बेसिकली तीन ऐसी जगह है जहाँ पे हम टू डूज़ को अपडेट कर रहे हैं तो तीनों जगह पे मुझे टू डूज़ को लोकल स्टोरेज में सेव करा के रखना पड़ेगा ओके तो लेट्स डू दिस थिंग हम क्या करते हैं लेट्स लेट्स क्रिएट अ कॉमन फंक्शन एंड लेट्स नेम इट प्रिजर्व टू डूज ओके इस फंक्शन का काम होगा टूडूज को प्रिजर्व करना लोकल स्टोरेज में और यहाँ पर हमें एक की मिलेगी लोकल स्टोरेज की लोकल स्टोरेज में हम बस स्ट्रिंग वैल्यूज़ को एड कर सकते हैं तो हमें टूडोज को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना पड़ेगा तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ एस टी आर टू डूज स्ट्रिंग में हम कैसे कन्वर्ट करेंगे जेसन डॉट स्ट्रिंगीफाई एंड यहाँ पर हम क्या पास करेंगे हमारा टूडोज़ अब ये टू डूज़ यूज़र हमें देगा हम स्टेट से नहीं लेंगे क्योंकि अगर हम स्टेट से डू उठाएंगे तो माइट भी हमें पुराने टूडोज़ मिल जाए क्योंकि हम सी ये फंक्शन हम कहाँ से कॉल करेंगे एड टू डू से कॉल करेंगे अब अगर यहाँ पे मैं कुछ भेजूँ नहीं ये फंक्शन तो पुराने डूज यूज़ करेगा क्योंकि नए टू डूज़ तो मुझे नेक्स्ट रेंडर में मिलेंगे तो मुझे इस प्रिजर्व टूडूज़ में टू डूज रिसीव करने पड़ेंगे इंस्टेड ऑफ दिस की दिस की वी कैन हैव इट इन अ कॉन्स्टेंट तो मैं इसे नाम दे देता हूँ लाइक से डेटा जस्ट टू बी जेनरिक ओके डेटा एंड लोकल स्टोरेज डॉट सेट आइटम हमें एक की चाहिए तो लेट्स क्रिएट दैट की इन आर टॉप ऑफ द फाइल कॉन्स्ट टू डू अंडर स्कोर की माई टू डूज ओके एंड लेट्स यूज दिस की सेट आइटम की एंड वॉट दिस तो इससे मेरे जो टूडूज हैं वो लोकल स्टोरेज में सेव हो जाएंगे लेट्स कॉल दिस फंक्शन फ्रॉम एड टू डू अब मुझे इनको एक एरे में रखना पड़ेगा कॉन्स्ट सो दैट आई कैन यूज़ इट एट बोथ प्लेसेस ओके न्यू टू डूज़ यहाँ पे दूसरा तो नहीं है नो हैंडल एडिट यस यहाँ पे भी मुझे ज़रूरत है हैंडल एडिट येस यहां पर भी मुझे जरूरत है तो अब देखो यहां पर दो ऐसे काम है जो मैं बार बार कर रहा हूं सेट टू डूज प्रिजर्व टू डूज सेट टू डूज प्रिजर्व टू डूज सेट टू डूज प्रिजर्व टू डूज सो वाई नॉट रिमूव दिस एंड डू दिस ओके सो so, यहां पे हमने थोड़ा सा कोड को क्लीन कर दिया ओके okay? तो इससे हमने सेविंग वाला काम कर लिया है ओके okay? हमारा टू डू लोकल स्टोरेज में सेव हो रहा है हाउ कैन आई बी सो श्योर लेट्स सी इट एड टू डू ओके लेट्स इंस्पेक्ट इट लेट्स गो टू एप्लीकेशन टैब लेट मी जूम इट लिटिल बिट लेट्स गो टू लोकल स्टोरेज दिस लोकल होस्ट सी एंड यहां पे मैं देख सकता हूं कि जो की मैंने बनाई थी उसके अगेंस्ट में आई हैव डेटा ओके सो दिस पार्ट इज वर्किंग फाइन इन लोकल स्टोरेज आई हैव माई डेटा मैंने ये वेरीफाई कर लिया है सो so, अब हमें क्या करना है जब मेरी एप्लीकेशन स्टार्ट हो आई हैव टू फेच डेटा फ्रॉम फ्रॉम टू जो लोकल स्टोरेज में है और उनको लोड कर देना है इस एरे में तो सेट स्टेट में ये जो यूज स्टेट फंक्शन है या हुक है यहाँ पे हम एक फंक्शन भी पास कर सकते हैं लाइक दिस ओके और इस फंक्शन का काम होता है इनिशियल वैल्यू को रिटर्न करना ओके okay? तो मैं सिंपली यहाँ पर यह फंक्शन नहीं बनाता हूँ क्योंकि दिस विल बी नॉट अ गुड वे टू क्रिएट फंक्शन राइट अवे हम एक नया सा फंक्शन बना लेते हैं उसको मैं नाम दे देता हूं लाइक like से इनिट या फिर लोड इनिट या लोड लोड फ्रॉम कैश ठीक है दिस इज सम सेंसिबल नेम और इसको इंप्लीमेंट कर लेते हैं इसका काम है टू डू से चीजों को रीड करना कॉन्स्ट टू डू स्ट्रिंग इक्वल टू लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम वी हैव टू सिंपली पास दिकी ओके हमें स्ट्रिंग में कीज मिल चुकी हैं बट दिज आर स्ट्रिंग्स आई डोंट नीड स्ट्रिंग्स आई वॉन्ट दैम इन एरे टू डू एरे इक्वल टू जेसन डॉट पार्स लेट्स पास दिस टू डू स्ट्रीम एंड लेट्स रिटर्न इट एंड लेट्स डू अ कंसोल डॉट लॉग ऑल्सो बिकॉज वी हैव टू सी कि भाई डेटा आके आ रहा है लेट्स एक्सपेंड इट ओपन दोल सो अगेन मुझे सीधे दिख गया कि भाई तीन एलिमेंट्स आ रहे हैं और मेरा डेटा मुझे सही से मिल रहा है राइट right? अब यहाँ पे एक एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ फैसिनेटिंग चीज तुमको दिखाता हूँ जो नंबर से देखो वो वापस से नंबर में कन्वर्ट हो जा रहे हैं मैं कैसे इसको सेव करा रहा हूँ लोकल स्टोरेज में स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके बट व्हेन आई एम गेटिंग इट आई एम गेटिंग इट एज अ नंबर सो दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग ओके okay. ये चीज़ तुम ट्राई आउट करना कि क्या तुम भी ये चीज़ एक्सपीरियंस कर रहे हो और सर्च अबाउट इट कि ऐसा क्यों होता है एंड लेट मी नो क्योंकि मुझे भी नहीं पता तो लेट्स गेट बैक टू आर एप्लीकेशन सो अभी हमें एक और एक्स्ट्रा काम करना है क्या काम करना है हमारी विंडो डॉट टू डू आई अभी भी एक हज़ार से स्टार्ट हो रही है इसको हमें अपडेट करना पड़ेगा क्योंकि अब हम टू डोज को एंड से भी लोड कर रहे हैं ओके okay. सो so, हमें सिंक में करना पड़ेगा चीज़ों को तो नाउ वॉट वी हैव टू डू हमें पता है कि भाई इनिशियल है वन थाउजेंड और फ्रॉम कैशेस से जो भी आएगा मैं सिंपली ये करूँगा विंडो डॉट टू डू क्या नाम है भाई टू डू आई डी ठीक है इसको मैं क्या करूँगा सिंपली प्लस कर दूंगा प्लस टू डू एरे डॉट लेंथ ओके सो इससे क्या होगा कि मैं हमेशा सिंक में रहूँगा जो नेक्स्ट टू डू बनेगा वो एग्जैक्टली करेक्ट ऑर्डर का बनेगा लेट्स चेक दिस एंड वी कैन चेक दिस बाय गोइंग टू एप्लीकेशन माई टू डूज वन जीरो जीरो वन टू ठीक है लेट्स नॉट गेट इन टू दैट बेसिकली सही बन रहा है मतलब मुझे डुप्लीकेट आइडियाज नहीं मिल रही हैं ओके सो यहां पर हमने लोड फ्रॉम लोकल स्टोरेज की फंक्शनैलिटी को भी चेक लाइक like, से इम्प्लीमेंट कर लिया है लेट्स सी इट बाई डिलीटिंग ऑल्सो यस दो ही हैं लेट्स ट्राई एडिट एडिट इज वर्किंग फाइन लेट्स सेव इट रिफ्रेश इट एडिट में गड़बड़ है ओके okay? एडिट में गड़बड़ है अब क्या गड़बड़ है एडिट में लेट्स गो टू एडिट लेट्स सी कि हम क्या कर रहे हैं एडिट में सो so, एडिट में हम सेव ओ oh, हमने सेव की फंक्शनैलिटी में शायद यस yes. हमने सेव की फंक्शनैलिटी में मिसमैच कर दिया चीजों को तो शायद हमें ये प्रिजर्व टू डूज एडिट कैंसिल में भी कॉल करने पड़ेंगे और एडिट सेव में भी ओके एडिट वर्किंग फाइन वर्किंग फाइन रिफ्रेश इट वर्किंग फाइन सो हमारी मेजोरिटी ऑफ सारी चीजें सही चल रही हैं लेट्स इम्प्लीमेंट दी डन फंक्शनैलिटी ओके सो डन के लिए चलते हैं अपने टू डूज में अब हमें एक नई बटन चाहिए ओके सो लेट्स क्रिएट अ न्यू बटन इसका नाम होगा डन सक्सेस कर देते हैं इसको सो so दैट हमें ग्रीन बटन मिल जाए और दिस विल बी हैंडल डन लेट्स इंप्लीमेंट हैंडल डन सिंपली किसी भी फंक्शन को कॉपी कर लेते हैं ऑन एडिट या ऑन डन एंड लेट्स रिसीव इट तो ऑन डन मिल चुका है इसे हम पास भी कर देते हैं ओके सो दिस इज डन लेट्स गो टू टू डू मेन कॉम्पोनेंट लेट्स इंप्लीमेंट हैंडल डन एंड लेट्स पास इट ऑन डन हैंडल डन और हैंडल डन में हमें क्या मिलेगा आईडी मिलेगी जो मुझे डन मार्क करनी है तो हम सेम एडिट कैंसिल वे यूज़ कर सकते हैं जो कोड लिखा हुआ है अब हमें एक नई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो लेट्स इंट्रोड्यूस न्यू इन्फॉर्मेशन हेयर उसको हम मार्क कर देते हैं इज़ कंप्लीटेड और 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 हैंडल डन में वाट वी विल डू वी विल सिंपली डू आई डी आएगी हमारे पास इज़ कम्प्लीटड ट्रू दैट द ओनली चेंज दैट वी हैव टू डू इससे हमारा डन की फंक्शनैलिटी हो चुकी है नाउ वॉट वी हैव टू डू वी हैव टू मेक इट विजुअली अपीलिंग कि भाई ये टू डू डन हो चुका है तो हम चलते हैं अगेन अपने टू टू रो में और मुझे पता है टू डू डन कब होगा जब इज कंप्लीटेड ट्रू होगा तो यहाँ पर हम अगेन सी एस एस क्लासेस का नहीं यूज करेंगे वी विल यूज डेटा एट्रीब्यूट तो मैं सिंपली यहाँ पे लगा देता हूँ डेटा डैश कंप्लीटेड टू डू एक टू डू कंप्लीट कब होगा जब डेटा डॉट इज सेलेक्टेड ट्रू होगा राइट लेट्स मार्केट डन लेट्स इंस्पेक्ट इट शायद कोई एरर आई है मैंने एरर देख लिया है लेट्स सी क्या एरर है ऑन डन इज नॉट डिफाइंड ऑन डन यहां पे है यहां पे गया यहां पे गया मैंने क्या रिसीव नहीं किया क्या यस yes. सी hmm. तो यहां पे हमें अभी कुछ दिख नहीं रहा ओके okay? कि भाई कोई डेटा एट्रीब्यूट यहां पे ऐड नहीं हुआ तो लेट्स री इंस्पेक्ट इट कि भाई क्यों नहीं दिखा क्या हमने कोड गलत लिखा है सो फर्स्ट ऑफ़ ऑल लेट्स सी की डेटा डॉट इज़ सेलेक्टेड ओके सो हमने की ही गलत लिखी है यहाँ पे इज कम्प्लीटेड होगा ओके नाउ लेट्स सी सी यहाँ पे अब मुझे ट्रू मिलने लग रहा है अगर मैं कोई दूसरा टू डू ऐड करूँ तो उसके लिए ये फॉल्स है ओके नाउ आई कैन ईजिली डिफ्रेंशिएट कि हाँ भाई कौन सा टू डू खत्म हुआ है कौन सा नहीं लेट्स गो टू सी एस एस और यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं टू डू लिस्ट के अंदर वो सारे ड्यूब ढूंढ के लाओ जिनमें डेटा एट्रीब्यूट लगा हुआ है कंप्लीटेड टू डू और जिसकी वैल्यू हो ट्रू ठीक है सी मुझे सारे एलिमेंट लाके दे देगा मैं क्या करूंगा बैकग्राउंड कलर एक्वा सी दिस इज माई डन टू डू ओके तो दिस इज हाउ वी कैन मार्क अ टू डू डन अब एक और फंक्शनैलिटी लिस्टेड थी वी हैव टू मूव द डन टू डू इन द बॉटम ऑफ द लिस्ट सो लेट सी हाउ वी कैन डू दैट सो इसके लिए हमें कोई स्टेट की जरूरत नहीं पड़ेगी ओके okay? इस काम को मैं करूँगा मोस्ट लाइक से मोस्ट क्या मतलब थोड़े से बेकार तरीके से एंड यू गाइज हैव टू इम्प्रूव इट सो देखो वेरिएबल बनाने का काम सही काम है इसको मैं स्टेट से डिराइव कर रहा हूँ और यहाँ पे कोई भी चीज़ ऊपर नीचे नहीं हो रही है ठीक है ये काम एकदम सही है कि तुम्हें भी वेरिएबल्स ही बनाने हैं टू डू टू शो इक्वल टू इसे मैं एम टी एरे रखूँगा और मैं क्या करूँगा यहाँ पे दो वेरिएबल्स बनाऊँगा डन टू डूज एंड पेंडिंग डूस Do ये काम तुमको सिंप्लीफाई करना है ठीक है टू डू सिंप्लीफाई दिस इट्स ऑन यू हाथ दिखाने वाला इमोजी नहीं आएगा क्या ओके सो इट्स ऑन यू अब मैं सिंपली क्या करूंगा भाई लाइक वेरी सिंपल टू डू इस पर मैं फॉरिच चला दूंगा फॉरिच टी ओकेफ टी डॉट इज कम्प्लीटेड है तो क्या करो भाई डन टू डू में चले जाओ टी okay. ओके और अगर डन नहीं हो तो कहाँ चले जाओ पेंडिंग में ओके okay. और फिर मैं क्या करूँगा इस टू डूज में इसको मुझे लेट करना पड़ेगा एंड आई विल डू दिस पहले मुझे पेंडिंग टू टूरूज चाहिए और फिर मुझे डन टू टूरूज चाहिए ओके एंड नाउ आई विल यूज़ दिस टू टूरूज टू पास इट इन दी वेयर सो आई थिंक मैंने ये काम गलत कॉम्पोनेंट में कर दिया है बट दैट्स नॉट द प्रॉब्लम लेट्स कॉपी इट एंड लेट्स गो टू आर मेन कॉम्पोनेंट ओके हमें ये काम यहाँ पे करना है तो ये टूडूज़ अब मैं सिंपली पास कर दूँगा इंस्टेड ऑफ ऑरिजिनल टू डूज़ सी मेरी लिस्ट अपडेट हो गई है जो डन टू डूज़ है वो एंड में आ चुके हैं अगर मैं वन को डन करूँगा तो ये नीचे आ जाएगा बट यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज़ हो रही है कि ऑर्डर मिसमैच हो रहा है सी यहाँ पे कुछ तो गलत हो रहा है अब ये जो एड टू डू की बटन है ये एड करने के बाद इसको एमपी टी नहीं कर रही ये एमपिटी इस वजह से नहीं हो रहा क्योंकि मैंने इनपुट टेक्स्ट में वैल्यू प्रॉप भेजा ही नहीं टू डू टू एड लेट्स रिफ्रेश इट नाउ दिस इज वर्किंग फाइन सो अभी हमने एक प्रॉब्लम तो फिक्स कर ली है बट आई थिंक देयर इज सम इशू विद डिलीट सो लेट्स चेक दिस सो आई बिलीव दिस आई डीज आर क्रिएटिंग प्रॉब्लम सो लेट्स डू वन थिंग हम डिलीट पर भी इसको माइनस कर देते हैं हैंडल डिलीट और डिलीट करने के बाद वर्ट विल डू विंडो डॉट टू डू आई डी माइनस इक्वल टू या शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं विंडो डॉट टू डू आई डी माइनस वन सो लेट्स रिफ्रेश इट लेट्स क्लियर ऑल थिंग्स लेट सी की कौनसोल में एरर कहाँ पर है लेट सी ये एरर कहाँ पर है ओके सो टू डू एर डॉट लेंथ तो दिस इज़ वेरी ईजी वी कैन सिम्पली डू दिस थिंग अगर टू डू स्ट्रिंग मुझे कुछ नहीं मिलती है ओके okay, तो वॉट वी कैन डू वी कैन पास एम टी आर एट सी सो so, हमारी एरर चली गई है आई बिलीव यस एरर इज़ गॉन लेट्स एड टू डूज वन टू थ्री फोर फाइव सो मेरे पास पास्ट टू डूज़ हैं लेट्स मार्क थ्री टू डू एज डन थ्री नीचे चला गया लेट्स रिफ्रेश इट एवरी थिंग इज़ वर्किंग फाइन लेट्स डिलीट नंबर फोर टू डू इट्स गॉन लेट्स रिफ्रेश इट इट्स वर्किंग फाइन लेट्स एड अ न्यू टू डू नंबर सिक्स इट्स गेट्स एडेड लेट्स रिफ्रेश इट इट्स देयर लेट्स डिलीट इट इट्स गॉन लेट्स रिफ्रेश इट सो इट्स वर्किंग सो मेजॉरिटी ऑफ चीज़ें हमारी सही काम कर रही हैं अभी ओके नाउ वन थिंग विल ब्रेक जहाँ पे हमने इंडेक्स यूज़ किया है ओके सो यहाँ पे अब इंडेक्स मिसमैच हो सकता है क्योंकि ओरिजिनल में कुछ और रहेगा और हमारे पास कुछ और रहेगा क्योंकि अब हमने यहाँ पे एक नया एरे इंट्रोड्यूस कर दिया है तो अगेन दिस इज़ ऑन यू अगर तुम इस कोड को कभी देख रहे हो तो फिक्स दिस यूज आई डी इंस्टेड दिस विल ब्रेक ओके अगर हमारे पास टाइम रहा तो हम भी फिक्स कर देंगे बट दिस इज फॉर यू वाइज ओके अब बचता है क्या फिल्टर वाली चीज तो फिल्टर के लिए अगेन हमको चाहिए होगा फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने एक फ़िल्टर की बटन ऐड की लाइक से फिल्टर बाई डन ओके तो अभी हम बस वही ऐड करते हैं ठीक है क्योंकि फिल्टर्स की फंक्शनैलिटीज़ ऑलमोस्ट सेम ठीक है तो मैं सिंपली एक ही फिल्टर यहाँ पे ऐड करके बता देता हूँ जस्ट फॉर सेक ऑफ कंप्लीशन ओके तो फिल्टर की जो बटन है वो हमें पेरेंट में इंट्रोड्यूस करनी पड़ेगी लेट्स क्लोज ऑल अदर थिंग्स लेट्स गो टू आर मेन टू डू कॉम्पोनेंट और यहां पे हम एक सिंपली बटन ऐड कर देते हैं बटन लेबल शो मी डन टू डूज ओके और ऑन क्लिक यहां पे सिंपली हम एक फंक्शन असाइन कर देते हैं हैंडल डन फिल्टर या फिर हैंडल फिल्टर टू बी जेनरिक और यहाँ पे हम एक और काम करते हैं कि इसको टॉगल वाला बना लेते हैं डन और पेंडिंग के बीच का तो सिंपली हम ऐसा कर लेते हैं एक कांस्टेंट क्रिएट कर लेते हैं कांस्टेंट कांस्ट फिल्टर टाइप इक्वल टू डन इसको वन कर देते हैं पेंडिंग को टू कर देते हैं ठीक है हमारे पास एक फिल्टर कॉन्स्टेंट रेडी है मैं सिंपली एक स्टेट बनाता हूँ कॉन्स्ट एक्टिव फिल्टर सेट एक्टिव फिल्टर और इनिशियल में यूज स्टेट फिल्टर टाइप डॉट अन नोन यू एन के एन ओ डब्ल्यू एन ठीक है इनिशियल में इसको अन नोन रखता हूँ ठीक है सो so दैट मैं इजिली गेट या गेस कर सकूं कि ये फिल्टर अप्लाइड है या नहीं तो फिल्टर टाइप स्टेट सेट है हमें बनाना है फंक्शन कौन सा हैंडल फिल्टर सो लेट्स क्रिएट दिस फंक्शन ओके यहां पे मुझे क्या चाहिए मुझे फिल्टर का टाइप चाहिए कि कौन सा फिल्टर मुझे अप्लाई करना है बट क्योंकि मेरे पास एक ही फिल्टर है आई कैन ईजीली टॉगल बिटवीन दैम ओके सो अगर इफ़ एक्टिव फिल्टर इक्वल टू इक्वल टू फिल्टर डॉट टाइप डॉट अननोन अगर अननोन है दैट मीन्स कोई फिल्टर अभी लगा ही नहीं है मुझे डन फिल्टर लगाना है तो मैं सेट एक्टिव फिल्टर कर दूंगा डन ओके okay? और फिर मैं ये भी चेक कर लूंगा एल्स इफ़ यहाँ पर इफ आएगा ठीक है अगर मेरा एक्टिव फिल्टर है डन तो मुझे कौन सा फिल्टर लगाना है पेंडिंग ओके okay. और अगर पेंडिंग है तो कौन सा लगाना है डन तो अब इन दोनों के बीच में ही साइकिल चलती रहेगी ठीक है तो मैंने एक्टिव फिल्टर को स्टेट में प्रॉपरली रख लिया है लेट्स सी कि ये एरर क्यों आ रही है आई बिलीव चली गई ठीक है तो लेट्स इंप्लीमेंट दी शो डन और शो पेंडिंग फिल्टर तो देखो अब ड्रिल बहुत सेम है यहां पे हमारे पास ऑलरेडी एक नया एरे है जिसमें हम दो चीजें ऐड कर रहे हैं तो अब मैं यहां पे सिंपली चेक कर लूंगा इफ एक्टिव फिल्टर इक्वल टू इक्वल टू फिल्टर टाइप डॉट अनोन अगर अनोन है तो जो कर रहे हो करते रहो बट अगर ये एल सिफ एक्टिव फिल्टर मेरा फिल्टर टाइप डॉट पेंडिंग है तो क्या करो बस पेंडिंग को डालो ओके okay? और एल्स done को डालो सो so, अगर अनोन है तो सब डाल दो पेंडिंग है तो बस पेंडिंग डालो और उसके अलावा हमारे पास एक ही केस होगा डन तो बस डन को डाल दो लेट्स सी रिफ्रेश इट लेट्स सी शो मी डन शो मी पेंडिंग शो मी डन शो मी पेंडिंग नाउ यू गैस गाइज कैन इम्प्लीमेंट शो ऑल एंड जो भी जो भी चीज़ तुम करना चाहो इस फिल्टर को प्रिजर्व करा लो लेट्स फिक्स दिस एडिट वन क्योंकि सारी चीजें जब चल रही हैं तो हम एडिट को भी क्यों छोड़ें तो लेट्स गो टू टू डूज टू डूज यस ऑन एडिट सेव तो यहाँ पर हम आई डी भेजेंगे इंडेक्स नहीं भेजेंगे सो देट ब्रेक ना हो चीजें और यहाँ पे हमें आईडी मिलेगी और नाउ वी हैव टू अगेन रन अ मैप सो लेट्स कॉपी दी मैप कोड ठीक है नाउ दिस इज वर्किंग फाइन ओके सो हमारा एडिट हो गया डिलीट हो गया डन हो गया सॉर्टिंग हो गई फिल्टर हो गया ऐड की फंक्शनैलिटी हो गई तो हमने मोटा मोटा जो टास्क थे सारे टास्क कर लिए हैं अब मुझे दो तीन चीज़ें डिस्कस करनी हैं फर्स्ट थिंग मेरा इंटरव्यू एक्सपीरियंस विथ अपोलो आईओ तो उन्होंने मुझे सिंपली टू डू ऐप ही दिया था बनाने को और मैंने बना दिया था वहाँ से मेरी कई लर्निंग हुई थी बेसिकली टू डू ऐप मेरे लिए बहुत इजी था तो मैंने कोई डिस्कशन किया नहीं सिर्फ एक घंटे तक मैं कोड ही करता रहा ये मिस्टेक कभी मत करना डिस्कस थिंग्स विद द इंटरव्यूअर और वहाँ पे इंटरव्यूअर ने मुझे एक प्रॉब्लम दिया करने को ठीक है उसने बोला कि तुम्हें ये जो तुम ऐड टू डू कर रहे हो इसे तुम्हें दो तरीक़ों से करना है बेसिकली एक तुमने कर लिया बटन के क्लिक पे दूसरा क्या तुम और कोई तरीका ढूंढ सकते हो जिससे कि तुम इस डेटा को सबमिट कर सको तो अब मुझे पता था कि फॉर्म में तो ऑन सबमिट इवेंट होता है जो एंटर पे चलता है वहाँ पे उसने चेंज क्या किया लेट्स गो टू एड टू डू फर्स्ट सो ठीक है यहाँ पे मेरे पास इनपुट टेक्स्ट है और बटन है तो उसने मुझको बोला कि भाई ये बटन हटा दो मैंने बटन हटा दी उसने बोला अब तुम्हें ये हैंडल टू डू फंक्शन कॉल करना है ऑन प्रेस ऑफ एंटर और तुम्हें ऑन की प्रेस भी इम्प्लीमेंट नहीं करना और उसने इसको फॉर्म में डाल दिया था ठीक है फॉर्म ओके okay. तो अभी अगर मैं यहाँ पे ऑन सबमिट इवेंट लगा दूँ और इसको प्रिवेंट डिफॉल्ट कर देते हैं ठीक है सो दैट पेज रिफ्रेश हो तो अब मेरी अंडरस्टैंडिंग थी कि भाई हाउ कैन दिस फॉर्म गेट सबमिटेड अगर मैं इनपुट टेक्स्ट फील्ड पे एंटर प्रेस करूँ सी अभी मेरे पास एक ही फॉर्म है for, एक ही फॉर्म एलिमेंट भी है अब हाउ कैन दिस फॉर्म सबमिटेड अगर मैं एंटर प्रेस करूँ बट अगर तुम यहां पे एंटर प्रेस करोगे तो तुम देखोगे फॉर्म सबमिट हो रहा है ओके सो दिस वाज न्यू टू मी अब ये ये एक स्पेशल केस है ये तभी काम करता है जब तुम्हारे पास तुम्हारे फॉर्म में बस एक ही इनपुट हो अगर तुम्हारे पास दो इनपुट हैं तो ये काम नहीं करता बिकॉज ब्राउजर कन्फ्यूज हो जाता है कि तुम डेटा सेव करना चाहते हो या क्या करना चाहते हो ओके okay, सो so अभी सबमिट कॉल नहीं होगा सो दिस इज वेरी वियर्ड केस तो तुम अगर कभी ऐसा कोई चैलेंज आए तो अब तुम्हें पता है कि कैसे ब्राउजर बिहेव करता है ओके लेट मी अनडू इट अब नेक्स्ट चीज देखो लेट मी अनजूम दिस कोड एंड लेट मी इंक्रीज द दिथ सी जो मेरा ये टू डू कॉम्पोनेंट है कितना बड़ा हो गया है अब अब सोचो इसको डिवक करने में कितना टाइम लगेगा राइट right. तो कभी भी हमें ऐसा स्ट्रक्चर नहीं रखना अपने कॉम्पोनेंट का कॉम्पोनेंट इज़ यूज़्ड फॉर यू आई पर्पज़ कॉम्पोनेंट में हमें कोई लॉजिक रखना ही नहीं है तो हम फिर लॉजिक को रखें कहाँ हमें दूसरी फाइल्स बनानी चाहिए उन फाइल्स में बेस्ड ऑन हमें क्या चाहिए उसको अलग करना चाहिए सो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं इस कोड को ब्रेक करूँ इस फाइल से हटाना चाहूं तो कैसे हटा सकता हूँ सबसे पहला काम ये जो मैंने लोकल स्टोरेज का काम किया है इसके लिए मुझे अलग से एक फाइल बनानी चाहिए लाइक से यूटिल डॉट जे एस ठीक है और इस यूटिल फ़ाइल में मुझे लोड फ्रॉम कैशे को मूव कर देना चाहिए लोड फ्रॉम कैशे को डाल देते हैं और प्रिजर्व टू डू को हम नहीं डाल सकते हैं क्योंकि यहाँ पे हम सेट स्टेट को यूज कर रहे हैं तो यहाँ पे हम इंट्रोड्यूस कर सकते हैं एक इंटरमीडिएटरी फंक्शन लाइक से सेव इन लोकल स्टोरेज एंड यहाँ पे हम की पास कर देते हैं एंड की एंड डेटा ठीक है क्योंकि यही हमको सेव कराना है और ये सेव इन लोकल स्टोरेज हम यहाँ बना लेते हैं ओके सो यहाँ पे हमारा लाइक से कॉमन कोड रेडी है की एंड दिस विल बी डेटा ठीक है डू में चलते हैं की में जाएगा तुम्हारा वॉट जेसन की की टूडू की ओके और 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 इसको हमें एक्सपोर्ट भी करना पड़ेगा यहाँ से बिकॉज ऐसे काम नहीं चलेगा तो उसके लिए हम सिंपली ऐसा कुछ कर सकते हैं एक्सपोर्ट कॉन्स्ट वॉट लाइक से एक्सपोर्ट एक ऑब्जेक्ट एक्सपोर्ट कर देते हैं और वहाँ पे हम ये फंक्शन डाल देते हैं ठीक है और अपने डू में चलते हैं अब हमें ये फंक्शन इम्पोर्ट करने पड़ेंगे सेव इन लोकल स्टोरेज प्रिजर्व टूडूज ओके अब विंडो में तो मैंने ऐड कर ही दिया है तो ये ऑलरेडी मुझे यहाँ मिल ही जाएगा यहाँ पे मूव करने की जरूरत है नहीं एक फंक्शन हमने मूव कर दिया तो इस तरह से हमें फाइल्स को सेग्रीगेट करना है ओके okay? हम सारा कोड एक फाइल में नहीं करते हैं अगर हम ऐसा करते हैं तो हम काफी प्रिंसिपल्स को ब्रेक करते हैं अब ये जो हैंडलर्स के कोड हैं क्या हमें इनको यहाँ लिखना चाहिए वेल आई विल सो नो यू कैन ऑल्सो मूव दैम इन अ सेपरेट हुक सिंपली क्रिएट अ न्यू हुक मैं यहाँ पे एक नया हुक बनाता हूँ यहां पे मैं इसे नाम दे देता हूं यूज हैंडलर ओके डॉट जी अब मैं सिंपली क्या कर सकता हूं अपने टू डू में जितना भी ये मेरा कोड है लेट्स कट इट ओके एंड लेट्स इट इन दी Use handler. Let me close this. Let me type here. Function use handler and export default use handler. सब कुछ मैंने यहाँ पेस्ट कर दिया ठीक है एज इट इज कोई चेंज नहीं किया अब मुझे क्या करना पड़ेगा इन सारे फंक्शंस को यहाँ से रिटर्न करना पड़ेगा एक हुक और एक फंक्शन में क्या डिफरेंस होता है एक फंक्शन जे एस एक्स रिटर्न करता है और एक हुक कुछ वैल्यूज या कुछ भी रिटर्न नहीं करता ठीक है तो सी मेरे पास सारे फंक्शन मेरे आ चुके हैं नाउ आई हैव टू सिंपली रिटर्न देम रिटर्न हैंडल फिल्टर नीचे से चलते हैं हैंडल फिल्टर हो गया हैंडल डन हो गया हैंडल एडिट सेव हैंडल एडिट कैंसिल हैंडल डिलीट ठीक है अब क्या बचा हैंडल एडिट बचा इसको भी लेके आ जाते हैं हैंडल एड टू डू इसको भी ले आते हैं हैंडल टू डू चेंज इसको भी ले आते हैं हमारे सारे फंक्शंस हो गए अब बचता है हमारा स्टेट एक्टिव फिल्टर हैंडल टू डू टू एड एंड टू डूज ओके okay, चीजें यहाँ पे आ गई लेट्स लेट्स कॉपी देम सो दैट मुझे इसको यहाँ पे लिखना ना पड़े नाउ यहाँ पे व्हाट वी कैन डू कॉन्स्ट इनको पेस्ट करते हैं इक्वल टू यूज हैंडलर एंड लेट्स गो बैक टू आर एप्लीकेशन देर इज वन एरर यूटिल्स जेस नॉट प्रोवाइड एन एक्सपोर्ट नेम प्रिजर्व टू डूज लेट्स सी लेट्स फिक्स दिस इन टू डूज ओके okay, ये तो ऑलरेडी है दूसरा फंक्शन क्या है लोड फ्रॉम कैशे लोड फ्रॉम कैश लेट सी ओके अभी इनको मुझे यहां पे नहीं करना क्योंकि इनको तो मैंने मूव कर दिया है कहां पर अपने हैंडलर में तो लेट्स मूव देम इन हैंडलर ओके नाउ लेट्स सी क्या एरर है या गई सो so, अभी और एरर्स आने लगी यूज स्टेट इज नॉट डिफाइंड यस क्योंकि मैंने डिफाइन नहीं किया है लेट्स कट इट लेट्स पेस्ट इट हेयर और ये कौन नीचे आएगा लेट्स सी नाउ टू डू की इज नॉट डिफाइंड ओके यस क्योंकि टू डू की एक कॉमन चीज है जो यहां पर भी होनी चाहिए अब क्या कह रहे फिल्टर टाइप इज नॉट डिफाइंड नाइस फिल्टर टाइप भी ले आते हैं फिल्टर टाइप की यहां भी जरूरत है तो इसे यहां भी रखना पड़ेगा अब इनके लिए ऐसे कांस्टेंट्स जो एक फाइल के अलावा और कहीं यूज हो रहे हो यू कैन हैव अ कॉमन कॉन्स्टेंट ओके नाउ सी एट टू डू वर्किंग फाइन डिलीट वर्किंग फाइन डन वर्किंग जो कितना कंसाइज हो चुका है अभी तुम इसको भी मूव कर सकते हो अपने उस यूज हैंडलर में यूज हैंडलर सारे इवेंट को मैनेज कर रहा है नेटवर्क कॉल के लिए तुम अलग से बना लो इस तरह से तुम चीजों को अलग अलग रखते हो ओके रिलेटेड चीजों के लिए अलग हुक कॉम्पोनेंट में कोई भी लॉजिक नहीं होना चाहिए योर कॉम्पोनेंट शुड ओनली कंज्यूम थिंग्स तुम्हारा कॉम्पोनेंट कुछ करना नहीं चाहिए यहां पे मैं कुछ कर रहा हूँ देखो दिस इज अ वर्क इस वर्क को हमें हुक में मूव करना चाहिए अगर स्टेट इन्वॉल्व है अगर स्टेट इन्वॉल्व नहीं है तो क्रिएट अ यूटिल फाइल कॉम्पोनेंट विल ओनली कंज्यूम ऐसे समझ लो कम कॉम्पोनेंट को बस खाना आता है ठीक है वो खाना बनाते नहीं है अगर तुम कॉम्पोनेंट से खाना बनवाओगे तो दे विल लूज़ वेट ठीक है वो उतने हाई परफॉर्मेंट नहीं रहेंगे तो कॉम्पोनेंट विल ओनली कंज्यूम थिंग्स ये हमेशा याद रखना ठीक है तो विद दिस थिंग आई थिंक हमने सारी चीज़ें कवर अप कर ली हैं नाउ योर होमवर्क यू हैव टू इम्प्लीमेंट फर्स्ट यू हैव टू इम्प्लीमेंट मल्टीपल फिल्टर्स ओके और जो मैंने टू डूज एड किए हैं वो नेक्स्ट आई कैन डायरेक्टली क्लिक ऑन टू डू टू एडिट इट आउटसाइड क्लिक और एंटर विल सेव इट यू कैन एड मोर ऑप्शंस लाइक ऑल शो कम्प्लीटेड शो पेंडिंग दो मैंने ऐड ही कर दिए हैं और दिस यू कैन स्किप ओके बिकॉज दिस इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर दिस टास्क सो यू कैन ट्राई टू इम्प्लीमेंट दीज थिंग्स इनको इम्प्लीमेंट करते करते माइट भी यूगाइज फाइंड अ ब्यूटिफुल वे या कोई और अच्छा तरीका तुम्हें मिले तो डू शेयर दैट विथ विथ मी